दोस्तों, मेरे साथ इस सीरीज के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यही इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, आई मीन माई नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनिस का ये ही लास्ट पार्ट है। सीजन टू अभी ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मुझे उन दोस्तों को ज़्यादा शुक्रिया कहना है जिन दोस्तों ने पहले के एपिसोड से आखिर के एपिसोड तक मेरे साथ बना रहा है और मुझे इतने दिनों तक सपोर्ट भी किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके माई नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनिस के आखिर के एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, हमारी कैटरीना कीत के पास गया था अपने पजामा दिखाने के लिए। तभी हमारे कीत उसे अच्छे से समझा दिया था कि कीत उसके बारे में क्या फील करता है, और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो कीत और खुद को संभाल नहीं पाएगा। और यही सब समझाने के बाद हमारा कीत कैटरीना को अपने रूम से बाहर धकेल देता है। ये सब होने के बाद हमारी कैटरीना तो खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारी कैटरीना अपने दोस्तों के साथ नाइट एंजॉय कर रही है। वो लोग अपने पजामा पार्टी पे थे, लेकिन हमारी कैटरीना कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए हमारी मैरी उसे पुकारती है। तो हमारी कैटरीना को होश आता है कि वो लोग तो अभी मजे करने वाली है और देर रात तक जा के बात करने वाले हैं। उसी वक्त मैरी और सोफिया मारिया को लेके बातें करने लगती है कि आज तो बहुत सारे नोबल्स मारिया को अप्रोच किया डांस करने के लिए, लेकिन मारिया ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात जानने के बाद हमारी कैटरीना मारिया से पूछती है कि क्यों मारिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मारिया एक ही जवाब देती है कि वो लोग मेरे टाइप के नहीं थे। तो हमारी कैटरीना पूछती है कि तो फिर तुम्हारे टाइप का कैसा बंदा है? तो हमारी मारिया कहती है कि मैं तो ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ जो काइंड हो, जेंटल हो, और जिनको मेरे स्वीट्स बहुत पसंद हो। तो इनडायरेक्टली हमारी मारिया हमारी कैटरीना की ही बात कर रही थी। मारिया की बात सुन के हमारी मैरी भी कहने लगती है कि हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे लोग पसंद है, और मुझे तो ज़्यादा पसंद है जिनका ब्राउन हेयर और हल्का सा ब्लू आइज हो। ये सुन के हमारी कैटरीना फिर भी समझ नहीं पाती कि वो लोग हमारी कैटरीना की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग कैटरीना से उसका टाइप पूछता है। तो हमारी कैटरीना हिचकिचाते हुए कहती है कि असल में मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे किस टाइप के लड़के ज़्यादा पसंद है। और ऐसा कहते हुए हमारी कैटरीना काफ़ी शर्मा जाती है और थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो लोग सोफिया से उसका टाइप पूछता है। तो हमारी सोफिया अपने पढ़े गए नॉवेल्स के हीरो के बारे में बताने लगता है। ये सुन के वो सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर अचानक से हमारा सीन बदल जाता है और हमें हमारी कैटरीना को एक अजीब जगह में दिखाया जाता है। वो जगह असल में हमारी कैटरीना के प्रीवियस लाइफ के कुछ मेमोरीज के पार्ट थे जो हमारी कैटरीना को अभी अचानक से दिख रहे थे। पहले तो इनको देख के हमारी कैटरीना समझ नहीं पाती कि वो असल में क्या देख रही है। तभी वो अपने प्रीवियस लाइफ के बेस्ट फ्रेंड को देखती है। उसे देख के हमारी कैटरीना को याद आ जाता है कि वो तो अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सपना देख रही है। उसी वक्त हमारी कैटरीना देखती है कि उसका जो फ्रेंड है वो एक गेम खेलने बैठ रही है, और इस गेम को अच्छी तरह से देखने के बाद हमारी कैटरीना को रियलाइज़ होता है कि ये तो और कोई नहीं फॉर्चून लवर गेम है, और इसका नेक्स्ट सीजन है, आई मीन फॉर्चून लवर 2 है। ये देख के हमारी कैटरीना तो काफ़ी चौंक जाती है कि क्या फॉर्चून लवर का एक न्यू सीरीज़ भी आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फॉर्चून लवर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि वो लोग इसका एक नेक्स्ट सीरीज़ को भी ले आए? इसके साथ साथ हमारी कैटरीना ये भी देखती है कि यहाँ पर इस सीरीज़ में कैटरीना को सभी लोग कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, और इस सीरीज़ में हमें बहुत सारे न्यू लव इंटरेस्ट को भी देखने को मिलेगा जो होगा मैजिक डिपार्टमेंट पे लव स्टोरी। और एज एक्सपेक्टेड हमारी मारिया ही इस सीरीज़ का हीरोइन है, और विलेन है हमारी कैटरीना। तो क्या होगा इस सीरीज़ में? ये सब देख के तो हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही चिल्लाती हुई अपने नींद से जाग जाती है। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी जाग जाती है और कैटरीना से पूछने लगती है कि क्या हुआ कैटरीना, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो हमारी कैटरीना बताती है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। ये सुन के वो लोग हमारी कैटरीना को कंसोल करते हैं कि कुछ नहीं हुआ कैटरीना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक सपना था, ये कभी सच नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो, सो जाओ अब। अपने दोस्तों से ये सब सुन के हमारी कैटरीना भी सोचने लगती है कि हाँ, ये तो सिर्फ एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये सब सोचने के बाद वो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करती है और फिर से लेट जाती है सोने के लिए। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है।
इसके बाद सीन बदलता है और हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना और उनके सभी दोस्त अपने फील्ड पे काम कर रहे थे, हमारी कैटरीना के फील्ड पे काम कर रहे थे। वो सभी लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर हमारी कैटरीना उन सभी को बताती है कि हम लोगों के जाने के बाद यहाँ पर जिंजर और फ्रेय दोनों मिलके इस गार्डन का ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर शायद वॉलंटियर का काम कर सकता है, जिस बात पे हमारी कैटरीना काफ़ी खुश थी कि उसके जाने के बाद भी उसका फील्ड का अच्छा ख्याल रखा जाएगा। ऐसे ही वो सभी लोग बहुत ही हंसते मुस्कुराते काम करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसे ही उन लोगों का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें मैजिक डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना अब न्यू ज्वाइन करने वाली है, तो यहाँ पर सोरा और हमारे राफाइल हमारी कैटरीना को दो इंडिविजुअल से मिलाते हैं जो लोग अब से हमारी कैटरीना और मारिया के साथ काम करेगा। इन दोनों को देख के तो हमारी कैटरीना की हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद आ जाता है कि यही तो दोनों थे जो हमारी फॉर्चून लवर 2 में आए हुए थे और न्यू लव इंटरेस्ट थे वो दोनों। ये देख के तो हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होगा या फिर इसका न्यू सीरीज़ भी आएगा? पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ये सीरीज़ यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।